हेलो, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पेरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी। इससे पहले हम बहुत सारा बेसिक केमिस्ट्री पढ़ चुके हैं, जाके वीडियो देखो और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करो। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है हमारा? पेरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी। तो जल्दी से नोट्स निकालो, डालो हेडिंग पेरियोडिक टेबल। ठीक है, अब इस हम शब्द से हम क्या समझ रहे हैं? समझ कुछ नहीं रहे हैं, हमारे समझ में केवल एक ही आ रहा है कि टेबल है गाली होती है। अब ये टेबल किसकी है हम बताते हैं आपको। ये जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं, 118 एलिमेंट जो कि अब तक डिस्कवर्ड हैं, एलिमेंट्स जिन्हें कि हम बोलते हैं तत्व, उनकी एक टेबल है, क्लासिफाइड टेबल है। इन्हें क्लासिफिकेशन कर दिया इनका, एलिमेंट्स का। हम क्या करते हैं, 180 एलिमेंट को क्लासिफिकेशन कर दिया इनका हमने। क्लासिफिकेशन करने के बाद एक टेबल फॉर्म कर दी हमने और इस टेबल को ही नाम दे दिया हमने पेरियोडिक टेबल। ठीक है भाई, क्लासिफिकेशन क्यों किया हमने एलिमेंट का? क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं हम क्लासिफिकेशन इसलिए करते हैं ताकि उन चीज़ों को हम आसानी से समझ सकें। अगर आप देखोगे तो हर तरफ क्लासिफिकेशन के बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे आपको। जैसे जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है, इस धरा या धरती पर, तो उनका भी तो क्लासिफिकेशन कर रखा है हमने, उनकी प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके अंदर करेक्टर क्या क्या करेक्टर हैं, उनके अंदर सेल के अकॉर्डिंग हमने देखा है। हमने यूकैरियोटिक अलग कर दिए हैं, प्रोकैरियोटिक अलग कर दिए हैं, एनिमल अलग कर दिए हैं, बर्ड अलग कर दिए हैं। तो इससे क्या हो जाती है, स्टडी हमारी क्या हो जाती है, ईजी हो जाती है। इसलिए हम क्या कर देते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। इसी तरह से हमने जितने भी एलिमेंट डिस्कवर्ड हैं उनका क्लासिफिकेशन कर रखा है उनकी प्रॉपर्टी के बेस पर। अब मतलब क्या हुआ कि ऑल डिस्कवर्ड एलिमेंट को इस तरह से क्लासीफाई कर दो कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो अलग हो जाए, जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है वो अलग हो जाए। ठीक है, हम इतना जानते हैं कि मेटल नॉन मेटल होते हैं, तो इस पेरियोडिक टेबल में मेटल नॉन मेटल अलग कर दिया गया है और बहुत सारे करैक्टर हैं, तो हम जानते हैं कि करके इसमें। अब जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें क्या है भाई, जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें फोर ब्लॉक है। जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें क्या है, फोर ब्लॉक है। ब्लॉक है भाई एस पी डी एंड एफ, एंड इसमें सेवन क्या है, सेवन पेरियड्स हैं, पेरियड्स हैं वन से सेवन तक। 18 यहां पर ग्रुप हैं एंड टू क्या है, यहां पर सब ग्रुप हैं। ग्रुप सब ग्रुप क्या है, जैसे ए एंड बी। ठीक है, अब हम पहला जानते हैं कि भाई ये ब्लॉक कैसे बनाई, ब्लॉक कैसे बनाई। देखो, एलिमेंट्स हैं हमारे पास 118। अब इन 118 एलिमेंट्स का लास्ट इलेक्ट्रॉन जिस सब सेल में एंटर करेगा उस ब्लॉक का एलिमेंट बन जाएगा वो। मतलब इनके लास्ट इलेक्ट्रॉन, किसी भी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में एंटर कर रहा है, मतलब उपकोष में एंटर कर रहा है। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर करता है तो उसे एस ब्लॉक में रख देंगे। अब बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सब सेल में एंटर करता है, उन्हें पी ब्लॉक में एंटर रख दिया जाएगा। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी सब सेल में एंटर यानी डी उपकोष में एंटर करता है, उन्हें डी ब्लॉक में रख दिया जाएगा। और बहुत सारे एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एफ सब सेल यानी उपकोष में एंटर करता है, तो उन्हें एफ ब्लॉक बना दिया गया। तो यहाँ पर ब्लॉक बना दिए गए फोर, जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में जाएगा एस ब्लॉक, पी में जाएगा पी ब्लॉक, डी में जाएगा डी और एफ एस तरह से। ठीक है, अब हमने समझ लिया कि ब्लॉक तो ऐसे बन गए। अब ये 18 ग्रुप कैसे बने, अब इस ब्लॉक में मैंने बना रखे हैं ये ब्लॉक एस पी डी एंड एफ, ये है ब्लॉक मेरे पास। क्या है ये ब्लॉक्स हैं, ब्लॉक्स हैं। ठीक है, अब हमें पता है कि एस सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं। ये ब्लॉक नहीं, इसे सब सेल मान लो आप, जैसे ये सब सेल है। ठीक है, अब एस सब सेल में आते हैं जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो टू आते हैं, और पी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आते हैं यहां पर सिक्स, और डी सब सेल में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो आते हैं 10, और जो एफ सब सेल है इसमें इलेक्ट्रॉन आते हैं कितने आते हैं 14। इन सब सेल में इलेक्ट्रॉन के, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं उनके बेसिस पर क्या बना दिए हमने, ग्रुप बना दिए। ठीक है,
क्या बना दिया हमने, ग्रुप बना दिए। अब ऐसे एलिमेंट होंगे जिनके जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसेल में एंटर कर रहा है, लेकिन एस में केवल एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो वहां से बनेगा फर्स्ट ग्रुप। अब बहुत सारे ऐसे एलिमेंट होंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में तो एंटर कर रहा है, लेकिन इसमें कितने इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, टू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वहां से बन गया सेकेंड ग्रुप। ठीक है, क्लियर है। अब हमें पता है कि ये एस ब्लॉक बन गया। अब एस ब्लॉक में केवल दो ग्रुप हो सकते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। किस तरह से बने कि जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस में एंटर कर रहा है वो एस ब्लॉक में जाएगा। अब एस में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टू। अगर एस में एक इलेक्ट्रॉन है तो पहला एक ग्रुप बना दिया हमने, जिसमें दो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो ग्रुप हमने अलग कर दिया। ठीक है, इस तरह से हम अलग कर देंगे। अब क्या करा हमने, अब पी ब्लॉक कैसे बना, अब पी ब्लॉक में आते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे कि जिसके पी में क्या होता होगा, पी में वन होगा, पी में टू होगा, पी में थ्री इलेक्ट्रॉन आएंगे, किसी में पी में फोर होंगे, किसी में पी में फाइव होंगे, और किसी में पी के सिक्स होंगे। तो इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर यहाँ पर कितने बना दिए, ये सिक्स ग्रुप बना दिए कि भाई जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी में जा रहा है तो पी ब्लॉक कर दिया उनका। अब पी में किसी एलिमेंट के पी में वन इलेक्ट्रॉन होगा, किसी में टू होंगे, तो ऐसे एलिमेंट जिनके पी सबसेल में केवल एक इलेक्ट्रॉन है लास्ट में, तो उन्हें डाल दिया जाएगा। ये हो गया पी वन को बोला हमने थर्ड ग्रुप। ठीक है, और पी टू को बोल दिया हमने फोर्थ ग्रुप, और पी थ्री को बोल दिया हमने फिफ्थ ग्रुप, और पी फोर को बोल दिया हमने सिक्स्थ ग्रुप, और पी फाइव को बोल दिया हमने सेवन ग्रुप, और पी सिक्स को बोल दिया हमने एट ग्रुप। इस तरह से हमने ग्रुप बना दिए पी के। अब हमें पता है कि डी में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, टेन। अब डी में वन होगा, डी में टू इलेक्ट्रॉन आएंगे, डी में थ्री आएंगे, डी में फोर आएंगे, डी में फाइव आएंगे, इस तरह से चलता रहेगा। तो डी में कितने ग्रुप बन जाएंगे, टेन। इस तरह से क्या बन जाएंगे, एफ में बन जाएंगे फोर्टीन ग्रुप। क्लियर है, इस तरह से क्या बने, ग्रुप बनाए गए। क्लियर है ये सारी चीज़ें। अब हम समझते हैं भाई ये पेरियड कैसे बनाए गए। ठीक है, इन पेरियड के पेरियड कैसे बनाए गए, भैया जो पेरियड बनाए गए हैं, अब हमें पता है कि पेरियड में कितने पेरियड हैं, सेवन पेरियड है, इस तरह की लाइन खींची हुई है, सेवन, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स एंड सेवन, इस तरह से सेवन लाइन खींची हुई है। इसे बोलती है मैंने फर्स्ट पेरियड, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन। अब फर्स्ट पेरियड ये बताता है आपको कि इसमें केवल वो एलिमेंट रखो जिनमें केवल एक सेल है। पेरियड कहते हैं सेल, पेरियड को सेल मानो आप, कि जिनमें एक सेल है वो यहां रखे जाएंगे, जैसे कि हाइड्रोजन एंड हीलियम। हाइड्रोजन में एक सेल होती है, हीलियम में भी एक सेल होती है। जिन एलिमेंट के अंदर दो सेल है उन्हें यहां रख दोगे, जैसे लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, बहुत सारे एलिमेंट हैं। अब जिन एलिमेंट में थ्री सेल्स हैं तो वो यहाँ पर रख दिए जाएंगे, थर्ड पेरियड में रख दिए जाएंगे। आप ये जान लो कि पेरियड्स इज इक्वल टू होता है सेल, ये सेल के बराबर है। जिस एलिमेंट के अंदर जितनी सेल है वो उसी नंबर के पेरियड में डाल दिया जाएगा। तो इस तरह से बनाएगा भाई पेरियड्स। क्लियर है। अब सब ग्रुप क्या करते हैं, जो ऑल एलिमेंट हैं उन्हें क्लासिफाई करते हैं टू पार्ट में, क्लासिफिकेशन कर देते हैं टू पार्ट में कर देते हैं। एक तो कर देंगे नॉर्मल एलिमेंट में, और एक कर देंगे ट्रांजिशनल एलिमेंट में। ट्रांजिशनल एलिमेंट में, एलिमेंट्स में, ठीक है, कि हम आगे पढ़ेंगे ट्रांजिशनल मेटल क्या होते हैं। ठीक है, इस तरह से ये ए बी बना देगा। ठीक है, इतनी चीज सारी क्लियर हो गई कि क्या बनाया गया। हमने क्या पढ़ा अभी कि ऑल डिस्कवर्ड एलिमेंट, मतलब सभी जो डिस्कवर्ड एलिमेंट हैं, ज्ञात एलिमेंट हैं, उन्हें इस तरह से टेबल में लगा दो कि जिनकी प्रॉपर्टी सेम है वो सेम ग्रुप में आए, और जिनकी प्रॉपर्टी डिफरेंट है वो डिफरेंट ग्रुप में आए। इसे ही हम क्या बोलते हैं, पेरियोडिक टेबल कहते हैं। जो मॉडर्न पेरियोडिक टेबल है इसमें क्या है भाई, फोर ब्लॉक हैं एस एंड पी डी एफ, और 18 ग्रुप हैं, सेवन पेरियड हैं, और टू क्या हैं, सब ग्रुप हैं। ब्लॉक कैसे बनाए गए, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ एंटर कर रहा है। ठीक है, एक बार इसका फुल बना लो इस तरह से, ये बना दिया मैंने एस ब्लॉक इस तरह से, तो
ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए थोड़ा कॉन्सेप्ट। इस तरह की दिखती है भाई हमारी पेरिडिक टेबल, ये हमारी क्या है पेरिडिक टेबल इस तरह से, ठीक है। नीचे रख दिया हमने F। आने वाली वीडियो में है, बिल्कुल चिंता ना करें आप, डिटेल में पढ़ेंगे अच्छे से। ये क्या है हमारा, अब ये तो बन गया हमारा भाई एस ब्लॉक, ठीक है। और ये बोल दिया मैंने पी ब्लॉक, और ये बोल दिया मैंने डी ब्लॉक, और ये बोल दिया मैंने भाई एफ ब्लॉक, ठीक है। जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन एस सबसे एलिमेंट एंटर करे उन्हें एस ब्लॉक में डाल दो, एस नाम को बना दो, क्लियर है। अब जिनके एस में वन इलेक्ट्रॉन आता है वो यहाँ जाएंगे, फर्स्ट ग्रुप आ दिया। एस में एस को भी फर्दर क्लासीफाई कर दिया, क्यों करा क्लासीफाई, कि भाई एस में आते हैं टू इलेक्ट्रॉन। अब कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके एस में वन होंगे इलेक्ट्रॉन, और कुछ ऐसे होंगे जिनके एस में टू इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। तो जिनके एस में वन इलेक्ट्रॉन आता है मैं बोल सकता हूँ एन एस वन, तो उसे बना दिया हमने फर्स्ट ए ग्रुप। और जिनके एस में टू इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके लिए बना दिया मैंने सेकेंड ए ग्रुप। तो एस ब्लॉक में बन गए भाई टू ग्रुप बन गए, ठीक है, एस ब्लॉक हो गया। इस तरह से पी, अब जो पी ब्लॉक बनाया गया जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन, ऐसे एलिमेंट जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन पी सबसे एलिमेंट एंटर करता है, पी उपकोष में एंटर करता है, उन्हें पी ब्लॉक में रख दिया। अब भाई पी में आते हैं सिक्स इलेक्ट्रॉन। अब पी में कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनका पी में वन इलेक्ट्रॉन आता होगा, कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके पी में टू इलेक्ट्रॉन आते होंगे, थ्री आते होंगे, फोर, ऐसे तरह से होते होंगे, ठीक है। तो जिनके पी में वन इलेक्ट्रॉन आता है तो उनके लिए बना दिया थर्ड ग्रुप बना दिया भाई इस तरह से, थर्ड ए। ए वाले एलिमेंट वो होते हैं जो नॉर्मल एलिमेंट है, सामान्य एलिमेंट है, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे। और जिनके पी में टू इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उनके लिए बना दिया हमने फोर्थ ए। और जिनके पी में थ्री इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके लिए बना दिया हमने फिफ्थ ए। और जिनके पी में फोर इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके लिए बना दिया हमने सिक्स्थ ए। और जिनके पी में फाइव इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके लिए बना दिया हमने सेवन ए। और जिनके पी में सिक्स इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके लिए बना दिया एट ए, ठीक है। अब यहाँ पर जो थर्ड ग्रुप कितने हो गए, फर्स्ट ए, सेकेंड ए, थर्ड ए, फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स ए, सेवन्थ ए, एट्थ ए, जो ग्रुप बनाए गए हैं वो पैकेट में बनाए गए हैं ग्रुप में, जैसे एट तो ग्रुप ये हो गए, फिर एट इसमें ग्रुप आ जाएंगे, तब जाके 18 ग्रुप होंगे, ठीक है। अब इसमें क्या आएंगे, इसके पी में वन होगा वो एन पी वन, यहाँ होगा एन पी टू, एन पी थ्री, एन पी फोर, एन पी फाइव, एन पी सिक्स, पी में सिक्स लोग आते हैं इस तरह से कर देंगे, क्लास कर देंगे, ठीक है। पी ब्लॉक हो गया, एस ब्लॉक हो गया, अब डी ब्लॉक। अब भाई डी ब्लॉक में जो डी सबसेल है उसमें आते हैं 10 इलेक्ट्रॉन। अब किसी के डी में वन होगा, किसी के डी में टू इलेक्ट्रॉन होंगे, थ्री होंगे, फोर होंगे, फाइव, इस तरह चलता रहेगा 10 तक। अब जो डी है, डी ब्लॉक है, इसका जो ग्रुप चलते हैं वो यहाँ से होता है, फर्स्ट ग्रुप यहाँ बना दिया हमने इस तरह से, ये फर्स्ट बी है और ये सेकेंड बी है, इस तरह से फर्स्ट बी, सेकेंड बी, थर्ड ए, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, एट ग्रुप ही हो गए इस तरह से मान लो, या फर्स्ट सेकेंड थर्ड, ये इधर मान लो एट मान लो, ठीक है। अब फर्स्ट सेकेंड थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवन बी, अब यहाँ पर क्या है एट्थ ग्रुप आ गया बी। तो ये तीन पार्ट में बांट रखा है अभी, जिसे बोलते हैं फिकोनी, ठीक है। अब यहाँ पर कितने ग्रुप गए, डी में हो गए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन ग्रुप। अब टेन ग्रुप क्यों हुए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन टेन आते हैं, पी में हो गए सिक्स वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, और एस में हो गए टू वन टू, और एस में आएंगे 14, जो हम आने वाली वीडियो में पढ़ लेंगे, क्योंकि वीडियो की लेंथ है वो ज़्यादा बड़ी हो रही है भाई। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन एलेवन ट्वेल्व, ठीक है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व। यहाँ पर कितने हो गए 12, क्या हो गए F में हो गए 12 ग्रुप्स हो गए। ये कहाँ से निकले हैं, अब हमने देखा ये पेरियड टेबल है, अब ये क्या है फर्स्ट पेरियड है,
ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ठीक है, ये थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, थर्ड हो गया, अब क्या है, ये हो गया फोर्थ पीरियड हो गया हमारा, ये फिफ्थ हो गया, और ये हो गया हमारा सिक्स, और लास्ट हो गया सेवन पीरियड। समझ में आ गया। अब हमने क्या पढ़ा है पीरियड में, कि जितने भी एलिमेंट थे हमने क्या करा, उनके प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग, उनके गुणों के आधार पर हमने क्लासिफाई कर दिया, ब्लॉक बना दिए, एस पी डी एफ। एस को हमने फर्दर क्लासिफाई कर दिया, क्यों कैसे कर दिया, इनके इलेक्ट्रॉन के बेसिस पर, कि किसी एस में वन इलेक्ट्रॉन आ रहा है, किसी एस में इलेक्ट्रॉन टू आ रहे हैं। कुछ एलिमेंट ऐसे होंगे जिनके एस में वन इलेक्ट्रॉन आते हैं तो उन्हें अलग कर दिया हमने, फर्स्ट ग्रुप बना दिया, जिनके एस में टू इलेक्ट्रॉन आते हैं उनके सेकंड ग्रुप बना दिया, ऐसे ही पी में करा हमने, इस तरह से डी में, इस तरह एस में करा। तो इस पीरियड टेबल में क्या है, फोर ब्लॉक हैं, एस पी डी एंड एफ। ग्रुप कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ग्रुप हैं, ठीक है। सेवन क्या है, पीरियड है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब इस पीरियड में जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें केवल एक ही सेल होगी, ठीक है। इस पीरियड में जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें क्या होंगी, केवल टू सेल होंगी, और इस पीरियड में जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें थ्री सेल होंगी। इस पीरियड में जो भी एलिमेंट आएंगे उनमें कितनी एलिमेंट सेल होंगी बताना, इस पीरियड में जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें कितनी सेल होंगी बताना, इस पीरियड में जो भी एलिमेंट आएंगे उसमें कितनी सेल होंगी यानी कोस होंगे, इसमें कितने होंगे, ठीक है। जो फर्स्ट पीरियड है वो सबसे छोटा पीरियड है, और सेवन है और सिक्स है ये सबसे बड़े पीरियड हैं। पहले ये इनकम्प्लीट था, अब क्या है, कम्प्लीट हो गया है, तो ये सबसे बड़े पीरियड हैं और ये क्या है, सबसे छोटा पीरियड है। यहाँ आता है हाइड्रोजन, यहाँ आता है हीलियम, इस तरह से आपको लिखना है यहाँ पर। यहाँ आएगा लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बहुत लंबी वीडियो हो रही है भाई, ठीक है, इस तरह से करते हैं। अब जरा देखूँ मैं लिथियम के बारे में, सच है गलत है, लिथियम होता है भाई, यहाँ पर कर दूँ थोड़ा, इधर दिखेगा नहीं दिखेगा, जैसे लिथियम है तो लिथियम होता है थ्री, देखो जरा सही करा नहीं करा है। इसका कर दूँ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s 2 2s 1 3 2 1, तो फर्स्ट सेल में 2 है, लास्ट सेल देखो जरा कितना है, 2s 1, एस में 1 जा रहा है, तो मतलब सही है, 2 बता रहा है क्या सेल, 1 बता रहा है फर्स्ट ग्रुप। अब बेरिलियम कितना होता है, बेरिलियम होता है भाई 4, बेरिलियम होता है भाई 4, थोड़ा इसलिए थोड़ी देर के लिए मिटा दे रहा हूँ सर थोड़ा, तो बेरिलियम को चेक करते हैं, इसका करो 1s 2 2s 2, फर्स्ट में कितने हैं 2 और सेकंड में कितने हैं 2, तो लास्ट सेल देखते हैं हम, ये आउटर सेल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सेकंड सेल बता रहा है ये 2 बता रहा है सेल, पीरियड बता रहा है ना। अब एस में कितने हैं 2 है, तो ये अलग हो गया। तो इस तरह से क्या है, एक पीरियड टेबल होती है। तो ध्यान से इसके नोट्स बनाओ और समझो, केमिस्ट्री बहुत ही ईजी हो जाएगी।